से दामोदर दास अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश करते रहते, लेकिन दिन भर में वडनगर स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन रुका करती थी और अच्छे दिनों में भी नरेंद्र मोदी और उनके पिता ज्यादा से ज्यादा 30 चाय बेच पाते। चाय बेचना कोई पाप है क्या, गुना है क्या? कोई गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इससे आप ऐसी घृणा और नफरत से देखेंगे? ये जो माइंड सेट है ना, ये लोकतंत्र के लिए शोभा। 30 चाय के तनाव से दूर 6 साल के नरेंद्र मोदी की दुनिया बसती थी स्टेशन के बगल के स्कूल में। शिक्षा व्यवस्था में अगाध विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी की खुद की पढ़ाई लिखाई कैसी रही, ये जानने के लिए हम अब ये इमारत जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर अब पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इसके एवज में प्रशासन ने एक नया स्कूल की इमारत यहाँ पर तामीर की है। आप देख सकते हैं, महाराज श्री भागवताचार्य नारायणचार हाई स्कूल। अब ये स्कूल 12वीं तक है, मतलब इंटर कॉलेज तक यहाँ पढ़ाया जाता है। नरेंद्र मोदी के छात्र जीवन की बात करें तो उनके साथ पढ़ने वाले लोग या फिर उनके शिक्षक ये बताते हैं कि वो छात्र के तौर पर तो एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन छात्र जीवन से जुड़ी हुई दूसरी गतिविधियों में वो काफ़ी आगे थे। भले ही वो खेलकूद हो, नाटक का मंचन हो या फिर कहीं भाषण देने की बात हो, कुल मिलाकर एक राजनेता के गुणधर्म उनमें छात्र जीवन से ही देखने में आ रहे थे। वडनगर का ये भगवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल नरेंद्र मोदी को किताबों की दुनिया में ले गया। किताबों से दोस्ती करते करते मोदी के कदम बढ़े रंगमंच की ओर। स्कूल का एक स्टूडेंट जो नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था, वो थे नरेंद्र मोदी। एक नाटक में तो मोदी एक्टर, राइटर और डायरेक्टर तीनों ही थे। नाटक का नाम था पिलू फूल, यानी पीला फूल। और स्कूल के टीचर बड़े फख्र से कहते हैं कि नाटक से इकट्ठा हुए पैसे से ही स्कूल की बाउंड्री वॉल बनी। वो खेल कूद में भी आगे थे, बड़ा योगदान था और बड़े सुंदर खिलाड़ी भी थे और अच्छे लड़के भी थे। हमें बहुत गर्व है कि वो हमारी स्कूल में यहाँ पढ़ते थे पहले। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी और नरेंद्र भाई मोदी भी इसी स्कूल से पढ़े, तो मुझे अपने स्कूल पे बहुत गर्व है। हमें बहुत गर्व हो रहा है, जहाँ नरेंद्र मोदी पढ़े वहाँ ही हम पढ़ रहे हैं और उसके जैसे बनना ही चाहते हैं। अब तो जहाँ भी जाते हैं तो पहले कहते हैं कि हम वडनगर से हैं, तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। और कहते हैं कि वडनगर से हो, नरेंद्र भाई मोदी के गाँव से हो। इसी स्कूल में जसूद खान पठान के साथ मोदी की दोस्ती भी परवान चढ़ी। दोनों ने पहले से 11वीं तक की पढ़ाई साथ साथ की। जसूद खान बगल के मोहल्ले में रहा करते थे, मोदी तो वडनगर से ही निकल गए, लेकिन मोहल्ला और मोदी का मोह दोनों ने आज तक जसूद खान पठान को बांध रखा है। हम साथ में पढ़ते थे, वो पढ़ने में तो होशियार ही थे। हम कौन कौन से खेल खेला करते थे? हम कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, वॉलीबॉल, ये सब गेम हम खेलते थे। जसूद भाई के पास मोदी से जुड़ी कई कहानियां हैं। मोदी को सारे दोस्त एंडी कहकर बुलाया करते थे। एंडी यानी नरेंद्र दामोदर दास। एंडी की तब खासियत हुआ करती थी उसकी दोस्ती और दुश्मनी, जिसने दोनों ही बड़ी शिद्दत के साथ निभाई। कहते हैं कि एक बार एक कमजोर लड़के की स्कूल के 4 लड़के पिटाई कर रहे थे। मोदी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने 4 लड़कों पर स्याही छींट दी और भाग गए। मामला क्लास टीचर तक पहुंचा और जब टीचर ने गुनाहगार का नाम पूछा तो मोदी ने तपाक से कहा, जिनके कपड़ों पर स्याही के छींटे हैं वही गुनाहगार है। मोदी के दोस्त बताते हैं कि एक बार एक टीचर ने मोदी से संस्कृत में नदी लिखने को कहा और मॉनिटर को चेक करने को कहा। मोदी इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हुए। मोदी ने साफ साफ कह दिया कि उनकी परीक्षा सिर्फ टीचर ले सकते हैं, कोई सहपाठी नहीं ले सकता। वो इसका एक ही नेचर था कि कुछ निर्णय करता फिर वो सोचता कि अब कुछ करना है, वो फिर उसके पीछे ही लगा रहता, कुछ भी करके उसका रिजल्ट ला रहा। ये वो वक्त था जब मोदी का फलक पड़ने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा। स्कूल के बाद मोदी लाइब्रेरी जाने लगे और कभी कभी अपनी मिस्त्री सर की लैब में एक्सपेरिमेंट में भी मदद करने लगे। लेकिन आजादी के बाद जोर पकड़ रही राजनीति जब बच्चे बच्चे के लिए अजूबा बनने लगी, तब मोदी भी कांग्रेस के एक नेता रसिक भाई दवे के पास गए। मोदी पर लिखी किताब
मैन ऑफ द मूवमेंट के मुताबिक मोदी ने रसिक बैच बांटने, पर्चे बांटने का काम करने लगे। इसके बाद महज 7-8 साल की उम्र में वटनगर में मोदी की मुलाकात संघ के जाने माने कार्यकर्ता वकील साहब यानी लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई थी। बताते हैं कि दिवाली के दिन हुई ये मुलाकात मोदी को संघ में ले आई, उन्हें बाल स्वयं सेवक बना दिया गया। मोदी ने कई बार दावा किया है कि उन्हें याद है कि उस दिवाली की शाम वो घर से गायब रहे और जब लौटे तो माँ की फटकार मिली। बर्तन साफ करके, पानी भर के, हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया।